बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ मैं। अभी थोड़ा ओपन माहौल, ओपन से मुराद ये है कि अभी आपको पता ही जो कि सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, खासकर रियाद जद्दा जो बड़े शहर हैं, आप किसी मॉल वगैरह में चले जाएंगे आपको थोड़ी पहले की नस्बत थोड़ा डिफरेंट माहौल देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने भी कुछ सीन ऐसा देखा है। बहरहाल छोड़ें जी बात को, बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। मैं आपको अपना नाम क्यों बता रखा हूँ इरफान, अक्सर भाई मुझे बोलते हैं भाई अपना नाम तो बताया करें, और कुछ मिलते हैं जो यहाँ जद्दा में यही बोलते हैं कि भाई डीए न्यूज़ आपका नाम क्या है। तो न्यूज़ ये है जी कि जिजान में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से 55 किलो चरस बरामद हुई है और गारमेंट 700+ में कुछ गोलियाँ यानी कि फायर करने वाली कुछ गोलियाँ वगैरह भी बरामद हुई हैं। बस यही न्यूज़ है। लेकिन मैं जो हमारे परदेसी भाई गैर मुल्की भाई हैं, आपको वार्न करना चाहता हूँ, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी वार्न किया गया है, वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 55 किलो चर्स पकड़ी गई इस बंदे के पास से, 700+ में बंदूक की गोलियाँ पकड़ी गई हैं और गाड़ी के कुछ खानों में इसने छुपाई, यानी कि कुछ गड्ढे बोने को या 100 ऐसी जगह बनाई होती इन लोगों ने, लेकिन पकड़ा गया है जी। अभी ये तो लंबे अरसे के लिए गया जेल में। होता कुछ यूँ है कि आप भाई जो गैर मुल्की भाइयों के मतलब ये होता है कि आप कोई भी टैक्सी लेते हैं, खासकर टैक्सी लें, प्राइवेट गाड़ी में मत सफ़र करें। उसके अलावा कोई भी ऐसा दोस्त मत बनाएं जिसके ऊपर आपको कोई भी किसी किस्म का शक हो कि ये बंदा कोई ना कोई किसी किस्म का दो नंबर काम तो नहीं करता है। जब वो पकड़ा गया तो भाई अगर आप साथ में हुए और आप बेगुनाह भी हुए तो आप भी साथ में ही जाएंगे। हाल ही में मैंने एक बंदा ऐसा भी देखा है जिसके कुछ दोस्त थे जो विस्की ड्रिंक वगैरह करते थे, वो साथ में उनके ऐसे बैठा हुआ था, वो भी पकड़ा गया, वो भी जेल में गया। भारी जुर्माना, लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है ऐसा। ना तो दोस्त बनाएं, ना ही ऐसी प्राइवेट गाड़ी में सफ़र करने की कोशिश करें।